15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार देश को संबोधित किया, लेकिन इस बीच एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी रही। वो तस्वीर है राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार शिरकत करने 15 अगस्त के मौके पर गए थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जहां उनको सीट जहां उन्हें बैठाया गया था वो पीछे की सीट थी, क्योंकि आगे की सीट पे ओलंपिक पदक विजेताओं को सीट दी गई थी। उनके आगे आपके डीवाई चंचू चीफ जस्टिस हैं। लेकिन ये तस्वीर इसलिए चर्चा का विषय बनी कि चूँकि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो राहुल गांधी की सीट होती है वो आगे की सीट आगे की रो पे होती है, लेकिन उनको आगे की रो की जगह ना देकर पीछे बैठाया गया था, इसको लेके ये चर्चा का विषय तस्वीर है। लेकिन इस पर रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है, चूँकि ऐसे मौक़ों पर रक्षा मंत्रालय ही सीटिंग अरेंजमेंट करता है, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से राहुल गांधी की जो सीट है आगे होनी चाहिए, लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया था कि ओलंपिक पदक विजेताओं को आगे की सीट दी गई थी, इस वजह से राहुल गांधी को पीछे की सीट अलॉट की गई। हालांकि जब फर्स्ट रो पे आप देखेंगे तो फर्स्ट रो में डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बैठे थे, अमित शाह बैठे थे, एस जयशंकर बैठे थे, निर्मला सीतारमण बैठी थी और शिवराज सिंह चौहान बैठे थे, उनके करीब बैठाया जा सकता था। लेकिन अब यही सवाल है कि आखिर क्यों नहीं बैठाया गया, इस पर रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है कि ओलंपिक विजेताओं को बैठाया गया था, इस वजह से राहुल गांधी की सीट पीछे कर दी गई। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी पीछे साइड में बैठे हुए हैं, ये हॉकी की टीम है जो ओलंपिक मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है, उनके पीछे राहुल गांधी हैं। लेकिन नीचे अब उसके जस्ट आगे वाली रो पे देखेंगे तो ये चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, इनके बगल में बैठे हैं अमित शाह, उसके बाद से जयशंकर, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान। तो इस तस्वीर को लेके ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने अपना जवाब दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकतंत्र के साथ। नमस्कार।